मीडिया फाउंडेशन पूरे देश भर में जो काम कर रहे हैं यूथ पार्लियामेंटरियंस को एकत्रित करके नया भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, तो स्वाभाविक तौर पे नया भारत बनाने के लिए हमारे जो पूर्वज है उनसे तो हमको सीखना ही है, साथ ही साथ नया भारत बनाने के लिए जो पूर्वज है उनसे एक्सपीरियंस लेना है, और साथ ही साथ जो यूथ है, नौजवान है जिसके अंदर विजन है, ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को एकत्रित करके देश के लिए, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कम्युनिकेशन सेक्टर हो, इस सभी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सभी सेक्टर को एक गति देना है, क्योंकि जो यूथ है उसमें गति होता है, स्पीड होती है, और उस स्पीड, जो स्पीड होता है, जो गति होता है, वो समय के साथ चलती है, जो यूथ है वो समय को पकड़ सकता है, वो स्पीड उनके अंदर रहती है। तो मैं मानता हूँ मीडिया फाउंडेशन के माध्यम से ये जो यूथ पार्लियामेंटेरियंस को एकत्रित करके नरेंद्र मोदी जो नया भारत बनाना चाहता है उसके साथ ये दिशा जोड़ने से इसको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगी, और नया भारत जो हमारा सपना है वो सपना साकार होगी, और यूथ के सिवा साकार असंभव है। ये मोदी जी ने भी बता चुके हैं कि ऐसे में हमारे देश का तो स्ट्रेंथ यूथ ही है, क्योंकि हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ जो है, नौजवान हमारे देश में है, तो उसी काम को ये फाउंडेशन कर रहा है। मैं इस फाउंडेशन को बधाई देता हूँ, साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा के नौजवान है वो भी उसके साथ जुड़े, और आप इसमें त्रिपुरा में भी इस काम को बड़ा कार्यक्रम ले, जागरूकता लाए, अवेयरनेस प्रोग्राम करें, और इसमें जो यूथ है उनके अंदर नया सोच आएगी, नया दिशा आएगी, नया भावना आएगी, और इसके साथ साथ नया त्रिपुरा बनाने का हमारा जो संकल्प है, मॉडल त्रिपुरा बनाने का, वो संकल्प भी पूरी होगी। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ।